हमारे पास क्या एक मास m का रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है, यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ मास m लेंथ l एंड दिस इज व्हाट b, ठीक है, इतनी बात। अब आपको एक चीज पता है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, पता है कि नहीं पता है? इसको अगर एक्स एक्सिस कह रहा हूं तो दिस इज आई सी एम एक्स एंड दिस इज एम बी स्क्वायर बाय 12, पता है ना? इसके अबाउट भी पता है, दिस इज सेंटर ऑफ मास, ये वाई एक्सिस इसी प्लेन पे, ठीक है, इतनी बात। तो क्या हो गया, आई सी एम वाई इज एम एल स्क्वायर बाय 12, ठीक, इतनी बात। आपको क्या बताना है, आई सी एम जेड बताना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के हिसाब से ये किसके बराबर हो जाएगा, आई सी एम एक्स प्लस आई सी एम वाई, हाँ या ना, हो जाएगा। तो सीधे सीधे आई सी एम जेड इज इक्वल टू एम बाय 12 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पक्का क्लियर है, सिंपल है। बढ़ जाए आगे, अगला देखो, हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, इतनी बात। सपोज दिस इज सेंटर ऑफ मास, मास ऑफ रॉड इज एम, यूनिफॉर्म रॉड लेंथ एल, तो आई सी एम आपको पता है कितना, एम एल स्क्वायर बाय 12, पता है ना, हाँ या ना। अब आपको क्या बताना है, इस एक्सिस के अबाउट बताना है। सपोज ये एक्सिस अगेन किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, डिस्टेंस कितना है इसका, एल बाय 2, तो आई किसके बराबर हो जाएगा, आई विल बी आई सी एम प्लस एम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, तो आई विल बी इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 4, दिस वुड बी, ये भी पता है आपको, क्लियर है, सिंपल है सारे, कोई दिक्कत नहीं, आसान सा है, ठीक है। बढ़ जाए आगे, मान लो आपके पास ये सिलेंडर है, लेंथ L, रेडियस सिलेंडर, कैसा लेना चाहोगे, सॉलिड या हॉलो, जो मर्जी ले लो, मुझे क्या दिक्कत है, चलो हॉलो, यूनिफॉर्म सिलेंडर, हॉलो यूनिफॉर्म सिलेंडर, मास m, लेंथ l एंड रेडियस r, ठीक, इतनी बात। आपको इस एक्सिस के अबाउट पता है, किसके अबाउट, ये जो ये वाली एक्सिस है, बताया हुआ कि नहीं बताया हुआ, कितना बताया हुआ है, इसके अबाउट, ये सेंटर ऑफ मास होता था यहां पर,
और इसके अबाउट आई सी एम वॉज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, पता है ना? ठीक है, मुझे क्या करना है, ये भी आई सी एम ही है, हाँ या ना? इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, आई नॉट सी एम इस सिलेंडर का, जल्दी करो। कितना आएगा? हाँ बोल, एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम आर स्क्वायर बाय 2, है ना? प्रूव कर सकती है? नहीं तो बस अब रुक जा, बताओ आंसर तो सही है उसका, एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम आर स्क्वायर बाय 2, लेकिन प्रूफ कैसे है ये देखना। पिछली दोनों जो मैंने अभी रेक्टेंगुलर प्लेट कराया था वहां परपेंडिकुलर एक्सिस लगा था, एक रॉड कराया था उसमें पैरेलल एक्सिस लगा था, है ना? यहां दोनों लगेंगे। आप क्या करो, मेरी बात ध्यान सुनना, यहां पर ऐसा एक एलिमेंट लो, ये क्या हो गया, एक रिंग हो गया कि नहीं हो गया, हाँ या ना? ये रिंग है, ठीक है, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, ये सेंटर ऑफ मास से ही पास कर रहा है, यस और नो? डी आई सी एम इज इक्वल टू डी एम आर स्क्वायर, होगा या नहीं होगा, मानते हो या नहीं मानते हो भाई, हाँ या ना? लेकिन एक बात बताओ, अगर इस रिंग को मैं बाहर निकालता हूं, मतलब इसको यहां से उठाया और ऐसे पलट दिया, ठीक है, या यहीं पर देखो, एक ये एक्सेस हो गई इसकी, ये भी कहां से जा रही है, सेंटर ऑफ मास से, ठीक है, और एक एक्सेस ये हो गई, जरा देखो, अंदर की तरफ हो गई कि नहीं हो गई, एक एक्सेस ये हो गई अंदर की तरफ और एक एक्सेस ये हो गई इसकी, ठीक है, इतनी बात, और ये जो एक्सेस है इसके अबाउट मुझे पता है कितना है, डीएमआर स्क्वायर, तो ये जेड एक्सेस हो गया, मान लेते हैं डीएमआर स्क्वायर वाला जेड एक्सेस, ये एक्स एक्सेस और ये क्या वाई एक्सेस, मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? तो ये परपेंडिकुलर वाला मुझे पता है, तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, और सिमेट्री है तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, तो अगर मैं इसको क्या मानता हूं, वाई मानता हूं, और अंदर वाले को क्या मानता हूं, एक्स मानता हूं, थोड़ी देर के लिए दोनों सेंटर ऑफ मास से पास कर रहे हैं, ठीक है, इतनी बात। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जरा देखो, डी आई सी एम एक्स प्लस डी आई सी एम वाई इज इक्वल टू, इसको जेड मान रहा हूं, इज इक्वल टू डी आई सी एम जेड, हाँ या ना? मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लग रहा है, ये दोनों बराबर हैं या नहीं है, तो क्या कह सकता हूं मैं, डी आई सी एम, सिर्फ रिंग को देखना भाई, बाकी नहीं देखना आपने, डी आई सी एम वाई, तो ट्वाइस डी आई सी एम वाई इज इक्वल टू डी आई सी एम जेड, दैट इज डी एम आर स्क्वायर, यानी कि डी आई सी एम वाई इज इक्वल टू डी एम आर स्क्वायर बाय 2, है या नहीं, मान सकते हैं नहीं मान सकते हैं? मतलब किसके अबाउट आया, इस वाले रेड वाले के अबाउट, ठीक है। अब ये जो रेड वाला एक्सेस है, ये इस रिंग का क्या है, सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, हाँ या ना? अब इस रिंग का डिस्टेंस मैंने मान लिया, कितनी दूरी पर है, एक्स दूरी पर, यहां से कितनी दूरी पर, एक्स दूरी पर, मान सकता हूं इसे। अब मुझे इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, किसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस इस रिंग के सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, हाँ या ना? ये सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस नहीं है रिंग का,
रिंग का सेंटर ऑफ मास नहीं, रिंग का सेंटर ऑफ मास तो यही है वाई वाला, वो निकाल दिया हमने, हाँ या ना, उसके पैरेलल है। तो इसके अबाउट मैंने क्या कह दिया, डी आई कह दिया, क्या कह दिया, डी आई, ठीक है, इतनी बात रिंग का। तो डी आई फ्रॉम द पैरेलल एक्सिस विल बी डी आई सी एम वाई प्लस डी एम इंटू एक्स स्क्वायर, यही कहोगे किससे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, हाँ या ना। तो बस अब देखो डी आई इज इक्वल टू डी एस, डी आई सी एम वाई कितना होता है, आर स्क्वायर बाई टू इंटू डी एम प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वट डी एम। अब इसका क्या इंटीग्रेशन, इस ड्रामे का, इस ड्रामे का इंटीग्रेशन करते हैं, तो जरा देखो क्या आता है, अब जरा देखो एक मिनट, हाँ अब आप एक काम करो, एल लेंथ के लिए मास कितना एम, तो वन यूनिट लेंथ के लिए कितना एम बाय एल, तो ये एक्स था, तो ये पतली सी पट्टी कितनी हो गई, डीएक्स हो गई, हाँ या ना, अरे डीएक्स हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, तो डीएक्स लेंथ के लिए कितना एम बाय एल इंटू डीएक्स, ये हमारा क्या हो गया, डीएम हो गया कि नहीं हो गया, हाँ या ना। अब इंटीग्रेट कर दें, डी आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई टू डी एम, इसमें नहीं लगते हैं, प्लस एम बाई एल एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यस ऑर नो, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, आई आ जाएगा इधर, डीएम डीएम सारा सम होकर के क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस यहां एक्स कहां से कहां तक, जीरो से एल बाई टू और जीरो से माइनस एल बाई टू, यानी कि कहां से माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू, कितना आ गया एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व, क्लियर इतनी बात। तो अब एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व प्लस एम आर स्क्वायर बाई टू आ गया, अगर ये सॉलिड स्फीयर होता क्या होता, सॉरी सॉलिड सिलेंडर होता क्या होता, सॉलिड सिलेंडर, तो ये आता डी एम आर स्क्वायर बाई टू, तो ये आता डी आई सी एम वाई, क्या आता डी एम आर स्क्वायर बाई फोर, तो यहां क्या आ जाता, फोर आ जाता, बाकी सब क्या रहेगा, सेम रहेगा, अरे क्लियर है, नोट करो इस बकवास को। अरे क्लियर है कि नहीं, अब देखो भाई अगला, ये हमारे पास M2 रेडियस R2 सॉलिड स्फीयर, M1 रेडियस R1 सॉलिड स्फीयर, रॉड M लेंथ L यूनिफॉर्म, ठीक है, सब कुछ यूनिफॉर्म है, ठीक है। ठीक है, अब रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बिल्कुल मिड पे होगा, ठीक है, मतलब रॉड का सेंटर ऑफ मास ये है, वो कह रहा है आप इस एक्सिस के अबाउट, आई बता दो सिस्टम का, आप एक काम कर सकते हो, आप इसका भी इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इसका भी इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इसका भी इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट बताओ पहले, तो जरा देखो एक मिनट, ये आ गया आई सी एम वन विच इज टू बाय फाइव एम वन आर वन स्क्वायर, हाँ या ना,
अब अगर मैं इसके अबाउट जानना चाहता हूं इसका, तो इसमें क्या ऐड कर दूंगा, एम वन ए स्क्वायर। अरे हाँ या ना, इसकी बात करें तो इसका कितना हो गया, आई सी एम टू इज 2/5 एम टू आर टू स्क्वायर। इसमें कितना ऐड कर देंगे, नहीं, सॉरी, ये कितना था, आर वन प्लस जो भी आया होगा, जो डिस्टेंस ऐड कर सकते हो उधर से भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और इसका अगर आप निकालते हो, ऐड करने में थोड़ा सा आपको होशियारी रखनी पड़ेगी, आई सी एम रॉड एम एल स्क्वायर बाय 12। हाँ या ना, अब आपने कुछ नहीं करना है, अगर आपको आई निकालना है तो आई विल बी, पहले रॉड का लिखते हैं, एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम ए स्क्वायर, ये कहानी आ गई। हाँ या ना, ठीक है, ये रॉड का हो गया अबाउट आई, एक एक करके लिख लेते हैं, बाद में सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। आई ऑफ एम वन विल बी 2/5 एम वन आर वन स्क्वायर प्लस, ये डिस्टेंस कितना, आर वन प्लस एल बाई टू माइनस ए, आर वन प्लस एल बाई टू माइनस ए, तो एम वन आर वन प्लस एल बाई टू माइनस ए का होल स्क्वायर। हाँ या ना, आई एम टू विल बी 2/5 एम टू आर टू स्क्वायर प्लस एम टू आर टू प्लस एल बाई टू प्लस ए। सबको यार जोड़ लेना, आंसर आ जाएगा आपका। अरे क्लियर है, टोटल विल बी सम ऑफ ऑल दीज, ठीक है। अगला देखें, हो गया, बढ़ जाए, कर लोगे ना। ये रॉड M मास की, लेंथ L, ये भी M मास की यूनिफॉर्म लेंथ L, ये भी M मास की यूनिफॉर्म L, ठीक है। ये एक्सिस है इन द प्लेन ऑफ ट्राइंगल, हाँ या ना, और उस एज से पास कर रहा है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, करना चाहोगे, क्या करो, 7/8 एम एल स्क्वायर। एक मिनट में आंसर चेक कर लेता हूं भाई, गलत आंसर नहीं, एक मिनट चेक करने दो, पता नहीं इसने तो रेडियस ऑफ गायरेशन निकलवाया, कोई बात नहीं, आंसर तब भी गलत है, 7/8 तो है नहीं, ठीक है, 57 3 से कटता है, जरा चेक कर, कटता है शायद, 19/16 है ना, तब भी आंसर गलत है। अब बढ़े आगे, यार ऐसा तो मत करो, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको तो करना चाहिए था, रॉड है सारी, कितना, सबसे नजदीक पहुंचा है, पता नहीं आंसर सही कि नहीं, रुक जा, अब रुक जाओ, बहुत हो गया, तुमने बहुत ड्रामा कर लिया। आप ऐसे देखो, आपके पास मान लो ये रॉड है, और ये एक्सिस है एंड के अबाउट, कितने एंगल पे, थीटा, तो आई होता था एम एल स्क्वायर बाय 3 साइन स्क्वायर थीटा, याद है, ऐसे पढ़ाया था मैंने शायद, सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता था एम एल स्क्वायर बाय 12 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो अब जरा देखो, एक मिनट, अगर ऐसा है अपने पास, तो अब यहां देखो ये कितना 60, तो इस वाली रॉड का कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाय 12 सॉरी 3 एम एल स्क्वायर बाय 3 साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 कितना 3/4 3/4 तो 3 से 3 कट गया, कितना आ गया बाय 4 आ गया, इसका भी इतना ही आ गया, दोनों का ये आ गया, इन दोनों का, हाँ या ना, अब बचा कौन, ये ड्रामा,
ये ड्रामा कितनी दूरी पर है, कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हर डीएम का इसके? रूट थ्री बाय टू एल, हाँ या ना? तो कितना आ गया, प्लस एम, ठीक है इतनी बात, इनटू दिस का स्क्वायर, दिस का स्क्वायर कितना, थ्री एल स्क्वायर बाय फोर, हाँ या ना? सही कह रहा है ये लड़का, नहीं सिक्स बोला था इस गधे ने भी। ये हमारा क्या आ गया, आईसीएम आ गया, सॉरी आई आ गया, आ गया कि नहीं आ गया? अब अगर रेडियस ऑफ गायरेशन की बात करें तो दिस वुड बी इक्वल टू थ्री एम के स्क्वायर, टोटल मास कितना है, थ्री है ना, तो थ्री एम के स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है चलो नोट करो इसे, पर इतना आसान सा सवाल गलत कर रहे हो कदम, हाँ या ना? हो गया। अब रेडियस ऑफ गायरेशन भी लिख लेते हैं, लिख ही लो उसको भी ना एक बार, बढ़ जाए आगे। ये क्या होता है भाई, अगर आपके पास कोई ये बॉडी है, आपने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकाल दिया, मान लो आई, बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकाल लिया। अब आप क्या करो, इफ सेम बॉडी इज टेकन एज पॉइंट मास, जितना मास बॉडी का है उतना ही मास हमने क्या मान लिया, पॉइंट मास मान लिया, ठीक है, और उसको हम एक्सिस से के डिस्टेंस पर रख देते हैं, तो अब इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, आई विल बी इक्वल टू एम के स्क्वायर, ठीक है इतनी बात। मतलब हम बॉडी को कैसा ट्रीट करना चाहते हैं, पॉइंट मास, तो कितनी दूरी पर रखा जाए एक्सिस से ताकि इक्विवेलेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आए, ये मतलब है इसका, ठीक है। तो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल चुके थे कितना, आई, ठीक है, कितनी दूरी पर रखा जाए उतने ही मास को पॉइंट मास बना करके ताकि सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आए, तो के किसके बराबर आ गया, द आई इज व्हाट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, तो गिवन ही है मुझे, के किसके बराबर आ गया, अंडर रूट आई बाय एम, हो जाए कि नहीं हो जाएगा, हाँ या ना? मतलब हमने इतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनाना था, लेकिन इसी बॉडी को क्या ट्रीट करके, पॉइंट मास बना के, तो कितने डिस्टेंस पर रखा जाए, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज व्हाट, रेडियस ऑफ गायरेशन, क्लियर है? क्या कह रही है, अच्छा शाबाश, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रुक जाओ, ये नोट कर लिया, पिछले पे आ जाऊं, हाँ अब क्या कहना चाहती है, डेफिनेशन बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फटाफट, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, यही है ना, ठीक। अब एक काम कर, इस एक्सिस से इसके ऊपर एक छोटा सा मास ले, कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका, ठीक है, जिंदा रहना पड़ता है, देखो आगे बढ़े, हो गया था पिछला वाला, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है। अब एक और सवाल देख लें भाई, हमारे पास ये एक डिस्क है, मास एम रेडियस आर की, इसके इस एक्सिस के अबाउट जो बाहर की तरफ है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है एम आर स्क्वायर बाय टू होता है कि नहीं होता है, पता है ना, ठीक है, एम आर स्क्वायर बाय टू होता है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस डिस्क का एक सेक्टर पकड़ा मैंने, मतलब एक पोर्शन पकड़ लिया, ठीक है,
मैंने इसका भी मास क्या कह दिया, एम कह दिया, रेडियस आर है। मास एम इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये एंगल कितना है मान लो, थीटा है, बीटा है, जो भी है, ठीक है, इतनी बात बीटा मान लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय टू। प्रूव कर इस बात को भी, देख हर बात का कहीं ना कहीं लॉजिक तो चाहिए, अदरवाइज तो फिर बेकार है। आंसर तो मुझे ही पता है, आंसर निकाल, एम आर स्क्वायर बाय टू लेके आना, मना थोड़ी करा है। चलो कुछ सही कह रहा है, इसकी बात मान लेते हैं। हमने क्या करा, एक रिंग ले ली स्मॉल आर रेडियस की, डी आर थिकनेस की, ठीक है, इतनी बात। अब इस रिंग का मास कितना डी एम है, तो डी आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू डी एम, मानते हो या नहीं मानते हो, हाँ या ना। अब इशू है किसका, डी एम का, ठीक है, इतनी बात। चलो अब ये एंगल कितना मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, बीटा कंप्लीट एंगल। तो अब जरा देखो, फॉर एरिया, रजनीश एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, कई बार यूज होता है शायद, और कई बार मैं पूछता हूं, पिछले साल भी तुझसे ही पूछा होगा, बीटा पॉइंट टू इंटू आर स्क्वायर, इतने एरिया का मास कितना है, एम है, हाँ या ना। अरे थीटा अपॉन टू पाई इंटू पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सेक्टर, यार बड़े बेकार हो मैं गधे, जब एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर है तो एक यूनिट एंगल का कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन टू पाई, ठीक है, और बीटा एंगल का कितना हो जाएगा, इंटू बीटा, यूनिटरी मेथड वहां भी चल रहा है तब भी रो रहा है। तो अब वन यूनिट का एरिया कितना, मास कितना, टू एम अपॉन बीटा आर स्क्वायर, यही आएगा कि नहीं आएगा, टू एम अपॉन बीटा आर स्क्वायर। और ये एरिया कितना है भाई, ये लेंथ कितनी है, r इंटू बीटा, और इंटू वॉट, डी आर, अरे भाई ये डी आर है, और ये लेंथ कितनी, r बीटा। तो अब dm किसके बराबर हो गया, dm इज इक्वल टू टू एम, ये तो यूनिट एरिया का था, इंटू r इंटू बीटा इंटू डी आर, यही आया कि नहीं आया, बीटा से बीटा कट गया, कट गया कि नहीं कट गया भाई, अरे यस ओ नो, अब डाल दो भाई dm की वैल्यू, तो डी आई इज इक्वल टू डीएम की वैल्यू डालोगे तो 2m कांस्टेंट है, r स्क्वायर कांस्टेंट है, अंदर बचा क्या, r क्यूब इनटू dr, इंटीग्रेट कर दो भाई से, तो i कम्स आउट टू बी r की पावर 4 अपॉन 4 आ जाएगा, कट जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 आ गया कि नहीं आ गया। बेटा हर चीज का कहीं ना कहीं आपको प्रूफ चाहिए, अगर नहीं है ना तो आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे, बस ये ध्यान रखना, एग्जाम में दिमाग में कुछ ना कुछ आएगा कि भाई गलत हो रहा है, ठीक है, हो गया। तो कोई भी सेक्टर पकड़ूंगा अगर उतना ही मास है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रल एक्सिस वुड बी व्हाट, सेम, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस डिस्क। अरे एक्सिस कैसी है, प्लेन ऑफ सेक्टर क्या, उसके क्या, परपेंडिकुलर, ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो भाई, बढ़ जाए, एक और कर लेते हैं, उसके बाद हम टॉपिक बदलेंगे, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लास्ट। डिस्क है रेडियस आर का, ठीक है, छोटा क्यों नहीं हुआ, ये हमने इतना डिस्क काट के हटा दिया इसमें से, ठीक है, मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ये काट के हटा दिया भाई, मास ऑफ रिमेनिंग कैपिटल एम, रिमेनिंग का मास कितना है, कैपिटल एम, टोटल मतलब डिस्क का नहीं है, किसका, रिमेनिंग का है, ठीक है, इतनी बात। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस रिमेनिंग पोर्शन का, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन अबाउट जेड एक्सिस,
रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, करना चाहोगे? 3 mR² बाय 2, एक बार चेक कर लेते हैं भाई। गलत आंसर आंसर बता दूं, 13 बाय 24 mR², ठीक है। चलो अब देखो भाई, अब सबसे पहले देखो रिमेनिंग का मास क्या है, m है, ठीक है। तो अब जरा देखो m इज मास, अच्छा इसका रेडियस क्या था, r था, हाँ या ना? तो एक मिनट, हेलो, मैम आज आज पक्का करवा देता हूँ, ठीक। अब देखो भाई, अब सुनो, अपने पास क्या है, m इज मास फॉर द रिमेनिंग पोर्शन, तो टोटल मास कितना रहा होगा पहले वो देख लें। आप ऐसे देखो, कितना एरिया है रिमेनिंग का, πr² - πr² / 4, हाँ या ना? तो πr² - πr² / 4 इज 3πr² / 4, तो 3πr² / 4 का मास कितना है, m है, तो यूनिट एरिया का कितना, 4m/3πr², हाँ या ना? तो इसका मास कितना हो गया, (π)r² / 4 कर दूं, तो अरे (π)r² / 4, तो इसका मास कितना हो गया, (π)r² / 4 करोगे तो क्या आ जाएगा, m/3, इसका मास m/3 है, इसका कितना है, m है। ऐसा आगे कि नहीं आ गया, कोई इशू है इस चीज में, इतने में किसी को डाउट हो तो बता दो भाई, कोई डाउट नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अब हम क्या करते हैं, इस पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकाल लेते हैं। ये क्या हो गया, ठीक है, आई जेड कंप्लीट, टोटल मास कितना हो गया, 4m/3 × r² / 2, यही होता है कि नहीं होता है, mr² / 2 होता है, तो m की जगह यहाँ क्या है, 4m/3 है, तो कितना हो गया, I complete 4m/3 r² / 2, ये आ गया। उसमें से किसको गायब करना है भाई, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को गायब करना है, किसके, ये जो छोटा वाला डिस्क है, तो सबसे पहले इस छोटे वाला डिस्क का इसके अबाउट निकालते हैं, ICM इज m/3, इसका रेडियस का 2 यानी कि r² / 4 / 2 यानी कि r² / 8 यानी कि mr² / 24, हाँ या ना? अब रुको एक मिनट, ये आ गया, ये इसके अबाउट आया, फिर इसका इसके अबाउट देखें, तो इसको क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस से शिफ्ट करेंगे, तो i ऑफ रिमूव्ड पार्ट अबाउट जेड एक्सिस इज हाउ मच, mr² / 24 + अब इसका मास कितना, m/3 × परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, r² / 4, नीचे 12 आ गया, नीचे क्या आ गया, 12, तो 2 + 1 कितना, 3 × 24 कितना, mr² / 8, तो IRZ इज वॉट, mr² / 8, ये आ गया कि नहीं आ गया, ये इतना था, 2/3 था, अब इसमें से उसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, बस इतनी सी बात है, तो आई जेड रिमेनिंग पोर्शन का क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2/3 - 1/8 × व्हाट, mr², अरे आ गया कि नहीं आ गया। अब जरा देखो एलसीएम ले लो, 16 - 3 कितना हुआ, 16 - 3 कितना, 13, 13/24, यही कह रहा था शायद मैं, सिंपल है या नहीं है, तो बेटा करोगे तो आएगा आंसर, अब ये सोचो कि हमें कोई शॉर्टकट मिल जाए या कुछ मिल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, करना ही पड़ेगा, और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना। आपको करना क्या था, रिमेनिंग का निकालना था, तो पहले आपने कंप्लीट निकाल लिया, कंप्लीट का इस एक्सिस के अबाउट, फिर
जो हटाया उसका इस एक्सेस के अबाउट, दोनों को क्या कर दिया आपने, सब्ट्रैक्ट कर दिया, सिंपल आंसर आ गया। आगे बढ़े हम, तो ये तो हो गया हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ड्रामा, ठीक है इतनी बात, बढ़ जाते हैं आगे, बढ़ जाएं। और ये काटने वाले सवाल मिलते हैं कई बार एग्जाम में। अब देखो भाई, अब लिखो जरा टॉर्क, सबसे पहले हम बात करें टॉर्क की, है ना। टॉर्क क्या है, किसी भी फोर्स का वो एक्सटेंट जो बॉडी में रोटेशनल मोशन लाने की कोशिश करेगा या लाएगा, ठीक है। टॉर्क इज एक्सटेंट ऑफ फोर्स या एक्सटेंट ऑफ मेजर ऑफ फोर्स विच इंट्रोड्यूसेस व्हाट, रोटेशनल मोशन इन द बॉडी, या ट्राइज टू इंट्रोड्यूस रोटेशनल मोशन इन द बॉडी। कई बार ना करे रोटेट कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी एक्सटेंट तो है, कोशिश तो कर रहा है, ठीक है। तो लिखो जरा, लिखो टॉर्क इज एक्सटेंट ऑफ फोर्स ऑन बॉडी विच ट्राइज टू इंट्रोड्यूस और इंट्रोड्यूसेस रोटेशनल मोशन ऑफ बॉडी, रोटेशनल मोशन इन बॉडी, ट्राइज टू इंट्रोड्यूस और इंट्रोड्यूसेस रोटेशनल मोशन इन बॉडी। अब इसको हम करते कैसे हैं? देखो एक मिनट, मान लो हमारे पास कोई ये बॉडी है, ठीक है इतनी बात, इस एक्सिस के अबाउट हम रोटेशनल मोशन मेजर करना चाहते हैं, ठीक है। ये पता होना चाहिए किसके अबाउट आप रोटेशनल मोशन को या रोटेशन को पढ़ना चाहते हो। तो ये मुझे एक्सिस पता है, ये वाली बाहर की तरफ या इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है इतनी बात। अब आप देखो, मान लो बॉडी पे ये फोर्स लग रहा है, तो जो फोर्स लग रहा है, जिस जगह पे फोर्स लग रहा है, सबसे पहले वहां पर क्या बनाओगे आप, पोजीशन वेक्टर बनाओगे, ठीक है। जिस पॉइंट से आप क्या ले रहे हो, टॉर्क ले रहे हो, या जिसके अबाउट आप रोटेशन पढ़ना चाहते हो, वहां से क्या बनाओगे, पोजीशन वेक्टर। दिस पोजीशन वेक्टर इज व्हाट, आर। तो डेफिनेशन ऑफ टॉर्क इज व्हाट, tau is moment of force. Torque क्या होता है, mathematical definition क्या, moment of force. Moment क्या होता था, position vector का multiplication with any physical quantity, ठीक है। Scalar quantity के साथ moment, जैसे center of mass में हम पढ़ते थे moment of mass, ठीक है। यहां पर किसके साथ हो रहा है, force के साथ, तो force is what type of quantity, vector quantity. तो इस वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन दूसरी वेक्टर क्वांटिटी के साथ में, तो दो टाइप का मल्टीप्लिकेशन होता है, स्केलर प्रोडक्ट आ जाए और एक क्या आ जाए, डॉट प्रोडक्ट, सॉरी एक स्केलर प्रोडक्ट आ जाए और एक क्रॉस प्रोडक्ट आ जाए, ठीक है। तो यहां पर मोमेंट में हमेशा हम क्या बात करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो टॉर्क इज डिफाइंड एज आर क्रॉस एफ, ये बेसिक डेफिनेशन हो गई हमारे पास, ठीक है इतनी बात, आर क्रॉस एफ। अब सबसे पहले अगर मैं टॉर्क का डायरेक्शन देखूं, ठीक है इतनी बात, टॉर्क इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो अपने आप टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, परपेंडिकुलर टू एफ वेक्टर, हाँ या ना, या परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर, इसके प्लेन के क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा, अरे यस ओ नो, ठीक है। टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, परपेंडिकुलर टू एफ वेक्टर, या परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ आर एंड एफ वेक्टर। अब अगर डायरेक्शन यहां पर देखें इस एग्जांपल के लिए, तो आर क्रॉस एफ कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, मतलब अंगूठे की डायरेक्शन, यानी कि अंदर की तरफ, अंगूठा ये नहीं होता है, दिस इज एक्सियल वेक्टर,
मतलब ये तो सिर्फ डायरेक्शन देखने के लिए, ठीक है, मतलब आर क्रॉस एफ करने के लिए अंगूठा आ गया, मतलब एक्सियल वेक्टर होता है टॉर्क, हमेशा किसके अलोंग होगा, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, इतनी बात। तो टाउ इज एक्सियल वेक्टर अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इस केस में ऐसा है, मतलब रोटेट क्लॉकवाइज करना चाहेगा, लेकिन डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ। अरे क्लियर है, डायरेक्शन किधर की तरफ, अंदर की तरफ। चलो मैं क्रॉस से दिखा देता हूं इस केस में, हाँ या ना, इतनी बात हो गई। रोटेशन कैसा लाना चाहेगा, अगर लाएगा तो क्लॉकवाइज, और अगर लाना चाहेगा तो कैसा, तब भी क्लॉकवाइज। अरे क्लियर है इतनी बात। अब इसके बाद हम मैग्नीट्यूड की बात करें, ये एंगल कितना अपन के पास, थीटा। तो अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन देखूं तो टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, मानते हो या नहीं मानते हो, आर एफ साइन थीटा, हाँ या ना, ठीक है। अब एक चीज क्लियर हो रहा है कि अगर आर और एफ के बीच में एंगल जीरो या 180 होगा तो टॉर्क विल बी व्हाट, जीरो, हाँ या ना, ठीक है। अब दूसरी बात और भी कर सकते हैं, मैंने ऐसे इस लाइन को ऐसे बना दिया, दिस वुड बी कॉल्ड एज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इसी लाइन पे फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, हाँ या ना। अब मैंने क्या करा, यहां से इस पे क्या ड्रॉप करा, परपेंडिकुलर, ये आर है, हाँ या ना, और ये एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया, तो दिस इज आर परपेंडिकुलर, दैट इज आर साइन थीटा, बनता कि नहीं बनता है। तो हमारे पास टाउ किसके बराबर आ गया, आर परपेंडिकुलर इनटू एफ, यानी कि नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इनटू फोर्स, ठीक है। एक और काम कर सकते थे हम, इस फोर्स के दो कंपोनेंट ले लेते हैं, इधर आएगा एफ साइन थीटा, दैट इज एफ परपेंडिकुलर, यस नो, एंड दिस इज एफ कॉस थीटा, दैट इज एफ रेडियल अलोंग द रेडियस वेक्टर, ठीक है, इतनी बात। अब टाउ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, लिख सकता हूं या नहीं, हाँ या ना, मतलब फोर्स का कौन सा कंपोनेंट जो पोजिशन वेक्टर के क्या होगा, नॉर्मल होगा, इंटू पोजिशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब अगर मल्टीपल फोर्सेस लगेंगे, कई सारे फोर्सेस लगे, ठीक है, और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है, तो आप हर फोर्स की वजह से टॉर्क निकालोगे और उन सबका क्या कर दोगे, वेक्टर सम कर दोगे, सिंपल कहानी है, कोई इशू तो नहीं इसमें, ठीक है, इतनी बात। तो पहले से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिया, कर लिया, बढ़ जाए। If multiple forces are acting on body and torque is to be calculated, अबाउट गिवन पॉइंट तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टाउ विल बी समीशन ऑफ टाउ आई, हाँ या ना, टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ थ्री एंड सो ऑन। टाउ को क्या लिख सकते हैं, समीशन आर आई क्रॉस एफ आई, और लिख सकते हो कि नहीं, आई इक्वल टू वन टू एन, जो भी लेना हो आपको, ठीक है भाई। हो गया, कोई इशू है,
अब सबसे पहले अगर हम हमारे पास किसी बॉडी की एक्सेस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड हो, मान लो ये दरवाजा, अब इस दरवाजे की एक्सेस ऑफ रोटेशन फिक्स है, हाँ या ना, तो ऐसे सिस्टम्स पे टॉर्क भैया हमेशा इसी एक्सेस के अबाउट रोटेट कर सकता है, बाकी किसी के अबाउट रोटेट ऐसे थोड़ी घूम रहा है या ऐसे थोड़ी घूम रहा है, इसी के अबाउट घूम रहा है। तो लिखो जरा टॉर्क अबाउट सिस्टम, टॉर्क अबाउट सिस्टम वेयर एक्सेस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड, वेयर एक्सेस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड। ठीक है, मैंने क्या कहा, टॉर्क ऑफ सिस्टम वेयर एक्सेस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड। ठीक है, इतनी बात। अब आप देखो एक मिनट, हाँ, दरवाजे वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। दिस इज एक्सेस ऑफ रोटेशन सपोज। ठीक है, इतनी बात। अब आप एक चीज देखो, ये हमारे पास है ना। अब आप एक काम करो, अगर मैं इसको दरवाजे को, आजा तू आजा, हत्ते को पकड़ और बाहर की तरफ खींच। अरे ऐसे नहीं, बाहर की तरफ नहीं खींचेगा, नहीं मुझे ही पता है, खींच खींच खींच, कोई बात नहीं, बाहर की तरफ खींच रहा है। ठीक है, इतनी बात। क्या घुमा दरवाजा? नहीं घुमा, है ना। अब आप एक चीज देखो, अगर मैं फोर्स क्या लगाता हूं, वही रहे, अगर मैं फोर्स इस डोर के प्लेन पे लगाता हूं और क्या लगाता हूं, नॉर्मल टू द एक्सेस ऑफ रोटेशन, नॉर्मली है ना, बाहर की तरफ लगाया। ठीक है, इतनी बात। तो जरा देखो एक मिनट, मैंने फोर्स ऐसे लगाया, ठीक है, इन प्लेन, ठीक है, इतनी बात, ऑफ बॉडी एंड परपेंडिकुलर टू एक्सेस ऑफ रोटेशन, टॉर्क अबाउट एक्सेस ऑफ रोटेशन जीरो आ रहा है, तभी तो नहीं घूमा, टॉर्क अबाउट एक्सेस ऑफ रोटेशन जीरो आ रहा है, क्यों आ रहा है? देखो एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुक जाओ, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आना चाहिए, तो मैंने ये ले लिया, मान लो आर वेक्टर ले लिया ऐसे ही मजे मजे में, ठीक है, इतनी बात, ऐसे ही ले लिया, किसी भी एक्सिस के अबाउट देखना, किसी पॉइंट के अबाउट, आर क्रॉस एफ अगर आप देखो तो ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आर क्रॉस एफ कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जरा देखो, ये टाऊ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये टाऊ किधर है, अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ, और एक्सिस कैसा है, ऐसा। तो एक बात बताओ, ये जो टॉर्क है इसका जो कंपोनेंट एक्सिस पाएगा वो जीरो आएगा कि नहीं आएगा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना टॉर्क अंदर की तरफ, और इसका जब आप कंपोनेंट लोगे तो टाउ कॉस 90 वुड बी व्हाट, जीरो, तो टाउ अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज जीरो, टॉर्क जीरो नहीं है, क्या जीरो हुआ, टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन जीरो हुआ, टॉर्क नहीं है जीरो भाई, एक्चुअल में क्या हुआ, टॉर्क आया जरूर लेकिन टॉर्क का कंपोनेंट जो एक्सिस के अबाउट आ रहा है वो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, क्लियर, इतनी बात लिख ले जरा फटाफट, फिर अगले केस में देखते हैं तुझे, ठीक है। तो यहां पर अगर आपसे कोई कहे ना कि टॉर्क जीरो है, ये मत कह देना कि टॉर्क जीरो है, टॉर्क है लेकिन टॉर्क का कंपोनेंट एक्सेस और रोटेशन के अबाउट क्या है, जीरो है। अरे क्लियर है, बात बन गई भाई, बन गई, क्लियर है। एक और काम कर लेते हैं, हो गया, मिटा दूं इसे,
अब मैंने क्या लिया, फोर्स इन द प्लेन ऑफ बॉडी। आजा अब एक काम कर, ऐसे हत्ते को ऊपर की तरफ खींचियो, घूमट दरवाजा नहीं घूमा, ठीक है। अब टॉर्क अभी भी लग रहा है, अब टॉर्क कैसा लग रहा है देखो जरा, डॉट लग रहा है कि नहीं लग रहा है बाहर, ठीक है, टॉर्क अभी भी है। अब बाहर की तरफ आ गया, टॉर्क नॉट इक्वल टू जीरो है, हाँ या ना, टॉर्क नॉट इक्वल टू जीरो है, लेकिन अब टॉर्क बाहर की तरफ आ गया। अब इसका अगर मैं कंपोनेंट लेता हूं इस पे तो क्या आ जाएगा, जीरो। तो कंपोनेंट ऑफ टॉर्क अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन इज व्हाट, जीरो। तो ये अभी भी रोटेट नहीं करेगा, नोट करो इस बकवास को जल्दी से। हाँ बोल बोल, कुछ मुझसे पूछना, उसे भी कुछ नहीं पता तुझे भी कुछ नहीं पता, तो मुझसे पूछ ले, दे जल्दी बता क्या कह रहा है भैया। आर क्रॉस एफ किधर आ रहा है, बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है मतलब इस एक्सिस के क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर। अब ये जो टॉर्क आया इसका कंपोनेंट ले ले जरा एक्सिस पे, क्या आएगा, जीरो आएगा, बात ही खत्म हो गई। अब अगली कहानी देखते हैं, अब मैंने क्या करा, फोर्स कैसे लगाया बॉडी के प्लेन में, ऐसे खींच रहा हूं देख, ऐसे है तो बॉडी के प्लेन में ही, ठीक है इतनी बात। अरे मैंने ऐसे नहीं लगाया, ठीक है, कैसे लगाया, बॉडी के प्लेन में, इसी प्लेन में लगा रहा हूं फोर्स, ठीक है इतनी बात। तो जरा देखो आर क्रॉस एफ अभी भी क्या आ रहा है, डॉट आ रहा है बाहर की तरफ, इसका कंपोनेंट अगेन क्या आ जाएगा, जीरो। यही कहानी बन रही है कि नहीं बन रही है, नोट करो इस बकवास को भी। मतलब अभी तक ये दरवाजा घूमा ही नहीं जितनी तरीके से मैंने फोर्स लगाया, हाँ या ना, मतलब दरवाजा खोलने के लिए भी फिजिक्स ही चाहिए और क्या। अब अगर जिसको टॉर्क ना आता वो दरवाजा ही नहीं खोल पाएगा बेचारा, सबको आता है लेकिन साला फिजिक्स नहीं आती बस। अब देख मैं लगा रहा हूं टॉर्क, देख बंद हो गया। अब देखो भाई हो गए, अब जरा देखो इसी को थोड़ा सा और बदलते हैं, अब एक काम करते हैं इस दरवाजे पे F वेक्टर लगाते हैं, या एक काम करते हैं F वेक्टर नहीं, चलो मिटा दूं इसे, ये लगा F बाहर की तरफ, ठीक है इतनी बात। ये लग गया भाई, ठीक है इतनी बात। अब F कैसा है, F परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्या कहते हैं, डोर या प्लेन ऑफ बॉडी। F परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बॉडी, हाँ या ना। अब F परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बॉडी है तो अब जरा देख भाई, आजा तू बाहर आ जा एक मिनट, अब ऐसे खींच बाहर की तरफ। अब देखो इसने F कैसा लगाया, बॉडी के प्लेन के क्या परपेंडिकुलर, खुल गया दरवाजा आराम से, ठीक है। तो F परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बॉडी है तो जरा देखो एक मिनट, F ऐसा है R ऐसा है, R क्रॉस F करते हो अगर आप, R क्रॉस F, R की ऐसे R क्रॉस F ऐसा आ रहा है टॉर्क के नहीं आ रहा है, हाँ या ना, R के परपेंडिकुलर ऐसे टॉर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा, जरा देखो ये आ गया टाउ कि नहीं आ गया, हाँ या ना। अब इसका एक कंपोनेंट किसके अलोंग आ गया, एक्सिस के अलोंग आ गया कि नहीं आ गया, अरे भाई ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा एक्सिस के अलोंग कि नहीं आ जाएगा, और दरवाजा क्या कर जाएगा, खुल जाएगा, ठीक है इतनी बात। तो अब क्या कहानी है, टॉर्क नॉट इक्वल टू जीरो बट कंपोनेंट अलोंग, कंपोनेंट ऑफ टॉर्क अलोंग ए ओ आर इज नॉट जीरो
therefore torque along axis of rotation is also not zero. ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत है इसमें? तो इस केस में दरवाजा खुल गया, मतलब आपको फोर्स कैसा लगाना पड़ेगा, दरवाजे के प्लेन के क्या परपेंडिकुलर, वही कंपोनेंट होगा जो क्या करेगा, दरवाजे को खोलेगा भाई। ठीक है, फोर्स का, अगर फोर्स आप लगाते हो दरवाजे पर और उसके दोनों कंपोनेंट दरवाजे के प्लेन पे आ जाएं, तो दरवाजा नहीं खुलेगा। जब तक परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं आएगा तब तक दरवाजे का कोई रोल नहीं है कि वो खुल जाए। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा और बात कर लें इसी में। हो गया? अरे हो गया, मिटा दूं? अब देखो भाई, अगेन ये कहानी है हमारे पास। अब अगर हम इस पे कोई फोर्स लगाते हैं, ठीक है, इतनी बात, मान लो ये एक्स रोटेशन है, इसको चलो कुछ भी ले लो, ऐसी रहने दो, हमने फोर्स लगाया दरवाजे पे एफ, ठीक है, कैसे भी लगाया और कहीं भी लगाया, जिस जगह पे फोर्स लगाया उस जगह का पोजीशन वेक्टर क्या है, ये रहा, दिस इज व्हाट आर वेक्टर, कोई इशू नहीं। अब जो टॉर्क आया टोटल, दैट इज आर क्रॉस एफ, हाँ या ना, यही आया कि नहीं आया, जैसा भी एफ लगा था। अब इसका कौन सा कंपोनेंट इसको रोटेट कराएगा, कंपोनेंट ऑफ दिस टॉर्क अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर वो है तो ये दरवाजा खुलेगा या बंद होगा, और अगर नहीं है तो नहीं खुलेगा। दैट इज नाउ कंपोनेंट ऑफ टाउ अलोंग AOR विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन ऑफ बॉडी, हाँ या ना, अगर एग्जिस्ट करता है तो होगा, नहीं एग्जिस्ट करता तो नहीं होगा, बात ही खत्म होगी। ठीक है, अब एक और चीज, हो गए, लिख लिया सबने, बढ़ जाए आगे। बढ़े? अब देखो यार, अब एक और चीज, हाँ या ना, अब R को क्या लिख सकते हो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, फिर क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपको, चलो हाँ या ना, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा। अब इसका जब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपको तीन कंपोनेंट मिलेंगे टॉर्क के, टाउ एक्स टाउ वाई एंड टाउ जेड, मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? अरे यस और नो, बड़े बेकार हो, टाउ एक्स कितना मिलेगा जरा बताना मुझे, तुम ड्रॉपर वाले हो तो तुम्हें तो ऐसे ही करूंगा, टाउ एक्स आएगा, मैं लिख दूं डायरेक्ट, टाउ एक्स इज इक्वल टू वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई, हाँ या ना। अब टाउ वाई कितना मिलेगा, जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड,
हाँ या ना, पहले इधर से आता ना इसमें शायद, पक्का एक काम कर लेते हैं, कर ही लेते हैं ना। आई क्रॉस जे के आ गया, आई क्रॉस के माइनस जे, ये आ गया ठीक है। टाउ जेड ये आ गया भाई, तीनों कंपोनेंट आ गए हाँ या ना। अब इनमें से कोई कंपोनेंट जीरो हो गया तो उस एक्सिस के बाद टॉर्क क्या हो गया, जीरो। कोई कंपोनेंट नॉन जीरो तो उस एक्सिस के बाद टॉर्क है, अगर टाउ एक्स जीरो है तो मतलब एक्स एक्सिस के बाद टॉर्क क्या हो गया, जीरो। टाउ वाई जीरो तो वाई एक्सिस के बाद टॉर्क जीरो है ठीक है। फिर उसी चीज को हम आगे यूज करेंगे जब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम करना होगा। अगर एक्स एक्सिस के बाद टॉर्क जीरो आ गया तो मैं कह दूंगा कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्स एक्सिस इज व्हाट, कंजर्व, बात की बात हाँ या ना। चलो अब आगे बढ़े भाई, अब लिखो जरा, मिटा दूं इसे, मिटा दूं। अब लिखो टॉर्क ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस ऑफ सिस्टम, टॉर्क ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस ऑफ सिस्टम। इंटरनल फोर्सेस हमेशा क्या होती है, एक्शन रिएक्शन पेयर में होती हैं, मैग्नीट्यूड में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, डायरेक्शन में अपोजिट होती हैं, ऐसा ही होता है ना ठीक है। अब मान लो मेरे पास एक ये स्फेयर है, मतलब एक मास है, और एक ये रहा ठीक है, इन दोनों के सेंटर्स हैं ठीक है। देख क्या हो गया ठीक है, ये डिस्टेंस इनके बीच में मान लो आर है सपोज, तो इस पे फोर्स ऐसे लग रहा होगा हाँ या ना, एफ ऑन वन ड्यू टू टू ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इस पे एफ ऑन टू ड्यू टू वन, मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर होंगे, डायरेक्शन में क्या होंगे, अपोजिट होंगे, ऐसे ही कुछ होता है मैग्नीट्यूड भाई, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा ही है या नहीं पहले बता दो मुझे ठीक है। आपको इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बताना है कितना आएगा, ये पॉइंट ओ है कितना आएगा, हाँ बोल, जीरो आएगा, ये लड़की कह रही है जीरो आएगा इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट कितना आएगा, इस पॉइंट के अबाउट कितना आएगा, जीरो आएगा, सही कह रही है। तो मैंने क्या लिखा है, अभी प्रूव भी करेंगे चिंता ना कर, टॉर्क ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज जीरो, लिख लो, इज ऑलवेज जीरो अबाउट एनी पॉइंट इन स्पेस, मतलब संसार के किसी भी पॉइंट के अबाउट स्पेस में देखोगे तो टॉर्क क्या होगा, जीरो ही आएगा ठीक है। इतनी बात अब जरा प्रूव कर लेते हैं इस बात को ठीक है। इतनी बात आप मान लो, अच्छा इंटरनल फोर्सेस की एक खासियत होती है कि दोनों एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे होते हैं हाँ या ना, मतलब उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, एंटी पैरेलल होते हैं। तो लिखो जरा, इंटरनल फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड एग्जैक्टली अपोजिट इन डायरेक्शन, एग्जैक्टली अपोजिट का मतलब क्या है, सेम लाइन पे, अरे ठीक है यार, एंड एग्जैक्टली अपोजिट इन डायरेक्शन, मान लो एक फोर्स ये है सिस्टम पे और एक फोर्स ये है, ऐसा हो गया कि नहीं हो गया। अगर मैं इसको एफ वेक्टर कहता हूं तो इसको क्या कहना पड़ेगा, माइनस एफ, और ये वाला वेक्टर मैंने मान लिया मान लो आर है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, इन दोनों के बीच में ठीक है, या डी वेक्टर मान लो, आपकी मर्जी है भाई ठीक है। अब आपको टॉर्क देना, मैंने कहा संसार के हर पॉइंट के अबाउट जीरो आएगा, कोई भी पॉइंट ले लो, तो मैं कहां पर ले लूं पॉइंट, यहां लूं, यहां लूं, यहां लूं, जहां लेना है बता दो भाई,
ऊपर लेना है ऊपर ले लेंगे, नीचे लेना है नीचे ले लेंगे, ठीक है आप बताओ कहां पर लेना है पॉइंट, कहीं भी लेना है। मैंने ये पॉइंट ले लिया, खुश। इस पॉइंट के अबाउट मैं क्या निकालना चाहता हूं, टॉर्क। ये ऐसा क्यों आया? अच्छा ऐसा कह सकता हूं, मैंने कहा था जब मल्टीपल फोर्सेस लगते हैं सिस्टम पे तो टॉर्क क्या होता है, सारे टॉर्क का क्या सम, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल टू आर वन क्रॉस एफ प्लस आर टू क्रॉस माइनस एफ, मानते हो या नहीं मानते? अरे हाँ या ना, अरे यही होगा कि नहीं होगा? ठीक है, आप इस माइनस को बाहर कर दो, कर सकते हैं, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल टू आर वन माइनस आर टू क्रॉस एफ, ऐसा भी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं? ये एफ है ये माइनस एफ है, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, बस इतनी सी बात है। अब आर वन माइनस आर टू, आप एक काम करो, आर वन प्लस डी इज इक्वल टू व्हाट, आर टू, हाँ या ना? ठीक है, अरे आर वन प्लस डी इज इक्वल टू आर टू फ्रॉम द ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो आर वन माइनस आर टू इज इक्वल टू माइनस डी, हाँ या ना? तो कितना हो गया, टाउ इज इक्वल टू माइनस डी वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अब एक बात बताना, डी और एफ पैरेलल है कि नहीं एक दूसरे के? अरे डी और एफ पैरेलल है तो टॉर्क क्या आ गया अपने आप, और मैंने कोई भी जनरल पॉइंट लिया था, हाँ या ना? तो टॉर्क अपने आप क्या आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। नोट करो इस बकवास को, तो ये ध्यान रखना कि अगर कहीं पर इंटरनल फोर्सेस हैं सिस्टम में, ठीक है, जैसे हम इंटरनल फोर्सेस हैं तो हम क्या करें, टॉर्क उनकी वजह से ना निकालें, आपस में एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, कैंसिल आउट कर जाएंगे। हमें सिर्फ बात करनी है किसकी, एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है, तो हम उतनी मेहनत नहीं करेंगे। अब एक और चीज लिखो, लिखो कपल, कपल। अब कपल क्या होता है भाई, लिखो लिखो, व्हेन टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन विद देयर लाइन ऑफ एक्शन नॉट सेम, बात समझ में आई? दो इक्वल फोर्सेस हैं, मैग्नीट्यूड बराबर है अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन उनके लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। मान लो ये ऐसे लग रहा है तो ये इससे ऐसे लग रहा है, लाइन ऑफ एक्शन उनकी सेम नहीं है, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में है और लाइन ऑफ एक्शन उनकी सेम नहीं है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब एंटी पैरेलल हो गए विथ सम कॉन्स्टेंट, क्या कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन देयर लाइन ऑफ एक्शन। तो लिखो दैट इज कॉन्स्टेंट सेपरेशन बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, कॉन्स्टेंट सेपरेशन बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, हाँ या ना? अगर ऐसे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो इसको हम कपल कहते हैं, ठीक है, इतनी बात। अब एक बात बताओ, नेट फोर्स तो जीरो हो गया, जितना आगे से लगा उतना ही पीछे से लगा, लेकिन टॉर्क संसार के किसी भी पॉइंट के अबाउट इस केस में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो लिखो जरा, लिखो फॉर सच अरेंजमेंट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इन स्पेस, टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इन स्पेस इज कांस्टेंट। ऐसे अरेंजमेंट के लिए बॉडी पे अगर ऐसे फोर्सेस लग रहे हैं तो किसी भी पॉइंट के अबाउट स्पेस में टॉर्क क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। जरा करके देखें एक बार,
मान लो मेरे पास ये कोई बॉडी है, अब इसको अगर मैं एफ वेक्टर कहूंगा, इसको माइनस एफ कहूंगा या नहीं कहूंगा पहले बता दो मुझे। अरे कहूंगा यार, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, इतनी बात। अब ये डी है, सेपरेशन कांस्टेंट है, ये भी गिवन है। ठीक है, इतनी बात। अब मुझे संसार के किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, किसके अबाउट निकालूं, कहीं भी, और मैंने बोला टॉर्क कांस्टेंट आएगा। ठीक है, इतनी बात। चलो, तो ये पॉइंट ले लिया मैंने, कहाँ ले लूं, यहाँ ले लूं, ऊपर या नीचे, कहाँ, जहां, यहाँ बीच में, जहां मर्जी वहां बता दो भाई। ये लेता दिस इज आर वन वेक्टर, ठीक है, सपोज दिस इज आर टू वेक्टर, मानते हो या नहीं मानते हो? अब अगर मैं टॉर्क लेता हूं इस पॉइंट के अबाउट, आर वन क्रॉस एफ, आर टू क्रॉस माइनस एफ, ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे, हाँ या ना? ये आगे कि नहीं आगे? ठीक है, अब आप एक काम करो, आर वन माइनस आर टू, इसको हमने L वेक्टर ले लिया, क्या ले लिया, L वेक्टर। कैसे भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, L वेक्टर ले लिया। अब जरा देखो, एक मिनट, अब जरा देखो, R2 प्लस L इज इक्वल टू R1 है या नहीं है, हाँ या ना? तो R1 माइनस R2 क्या आ रहा है, L वेक्टर आ रहा है। तो टाउ आ गया हमारे पास, L क्रॉस F आ गया कि नहीं आ गया? अरे R1 माइनस R2 किसके बराबर आ गया, L के बराबर आ गया। तो L क्रॉस F आ गया कि नहीं आ गया? अब L क्रॉस F, ठीक है, इतनी बात। ये हमारा क्या आ गया, टॉर्क। अब आप एक काम करो, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड, अच्छा L क्रॉस F डायरेक्शन किधर आई जरा बताना, बाहर की तरफ आई कि नहीं आई? अरे L क्रॉस F बाहर की तरफ आ रहा है, तो टॉर्क कैसा है? ऐसा। अरे बाहर की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब ये एंगल हो गया इन दोनों वेक्टर के बीच में। अगर मैं मैग्नीट्यूड देखूं इसका, तो टाउ इज इक्वल टू एल एफ साइन थीटा, ये सुनो। ठीक है, एक काम करना यार, ये कितना हो गया 180 माइनस थीटा, और ये कितना L है। ठीक है, L साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू D आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे निकम्मो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है, तो साइन 180 माइनस थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो L साइन थीटा किसके बराबर आ गया? D into F आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब जो उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, into what? फोर्स का मैग्नीट्यूड will be giving us what? टॉर्क। मतलब D तो कभी चेंज नहीं होने वाला, F भी कभी चेंज नहीं होने वाला, फिक्स था, आगे टॉर्क कांस्टेंट आगे कि नहीं आगे? ठीक है, इतनी बात। तो ये कहानी रहेगी, क्लियर है? चलो आज इतना ही करेंगे, कल बात करेंगे बाकी।
हमने सिर्फ टॉर्क निकालना सीखा है, निकालना भी नहीं सीखा हमने तो, अभी टॉर्क की कहानी पड़ी है।